राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है कि राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सचिन पायलट को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। पूरी खबर जानने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए आपको बता दें कि माना जा रहा है कि सचिन पायलट को राजस्थान में बड़ी कमान मिल सकती है, लेकिन वही बीजेपी की तरफ से वसुंधरा राजे की नजदीकियां अब कांग्रेस की तरफ बढ़ने लगी है। जिस तरह से वसुंधरा राजे की सचिन पायलट की तरफ नजदीकियां बढ़ रही है, कई ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस पार्टी में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, क्योंकि राजस्थान की जनता सचिन पायलट पर भरोसा कर रही है और कांग्रेस सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद के लिए खड़ा कर सकती है। तो ऐसे में बीजेपी के कई नेता अगर कांग्रेस का दामन थाम लेते हैं तो राजस्थान में बीजेपी बहुत बड़ी हद तक कमजोर होती हुई नजर आएगी। अगर क्या सचिन पायलट रणनीति अपना रहे हैं तो क्या उसका बड़ा फायदा मिलता हुआ कांग्रेस पार्टी को नजर आएगा। इस बीच माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की पकड़ राजस्थान में मजबूत होती हुई नजर आ रही है। तो वही अशोक गहलोत खेमे में इस वक्त हलचल दिखाई दे रही है। अशोक गहलोत खेमे में हलचल इसलिए है क्योंकि अशोक गहलोत को अब पीछे रखा जा रहा है और अभी हाल ही में सचिन पायलट ने अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को लेकर बड़े खुलासे भी किए थे। ऐसे में इस बीच राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच सियासी लड़ाई भी दिखती नजर आ रही है, लेकिन उसमें जीत सचिन पायलट की दिखती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।